अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सब्जियां देखो भाई, हम लोग कहाँ पर हैं इस वक्त? सुपर मार्केट पनामा के से एक घंटा की ड्राइव पर जी, पनामा से एक घंटा की ड्राइव पर बिल्कुल एंड में सुपर मार्केट। मुझे यहाँ इन्होंने कुछ चिंगम शिंगम लेनी थी सफर पास करने के लिए, तो ये मुझे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आई यहाँ पे, हमने कहा आपको भी दिखा देंगे। ये क्या चीज़ है? ये चायोते कहते हैं उसको, चायोते। चायोते जी, क्या होता है ये? वो यहाँ की खास सौगात, पता नहीं क्या है ये। सब्जी यहाँ बहुत बारिशें बहुत होती हैं यार, ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में, इतनी बड़ी बड़ी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस मंसूर। वालेकुम मसरूर। वालेकुम अस्सलाम फ्लोरिडा से। अल्लाह करीम आपको हिफाजत में रखे मोहम्मद साहब। आमीन आमीन। सलाम वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर, बिग फैन क्वेटा बर्ड्स ब्लॉग, जजाकल्ला जी। मुफ्ती साहब सब्जी ले रहे हैं जी, मार्केट में आए हुए हैं भाई यूसुफ के साथ। ये मार्केट मुझे बड़ी अच्छी लगी, हमने कहा आपको भी दिखा दें सब्जी, देखने में कितनी आंखों को भली लग रही है। सलाम लव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ओवेस साहिर। वालेकुम अस्सलाम। कैलिफोर्निया कौन से सिटी में और कब आ रहे हैं? नेक्स्ट ट्रिप में इंशाल्लाह। अभी आप टमाटर देखो, तोरियां, खीरे सॉरी, कितने बड़े बड़े खीरे जी। ये कितनी पहाड़ी मिर्च, ओए होए होए होए, क्या ख़ानदानी पहाड़ी मिर्च है यार। क्यों इंजेक्शन तो नहीं लगाते इसमें? नहीं नहीं। ये मोहम्मद यूसुफ भाई को मैंने कल एक लतीफ़ा सुनाया है, अब तक हंसे ही जा रहे हैं ये, चुप ही नहीं हो रहे। कल मैंने लतीफ़ा सुनाया था इनको, हंसी ख़त्म ही नहीं हो रही, कल से हंसे ही जा रहे हैं। ये देखो भाई यार, ये कितने कलर की पहाड़ी मिर्चें हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हादी राना वालेकुम अस्सलाम। इतनी आँखों को अच्छी लग रही हैं ये पहाड़ी मिर्चें, मुख्तलिफ कलर्स की, येलो, रेड, रेड है, येलो है, ग्रीन है, और वो ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन, ये तो शिमला मिर्च, सब शिमला मिर्चें हैं, इसको पहाड़ी मिर्चें भी बोलते हैं। अलग अलग स्टाइल की, अलग अलग डिज़ाइन की। देखो आलू हुई हुई, अनानास यहाँ का बहुत मीठा है, बहुत मीठा अनानास है। ये क्या है भाई, ये कौन सा फल है? है? माराकुया उसको कहते हैं। माराकुया, ये वाला माराकुया, माराकुया। ये प्राइस लिखे हुए हैं। ये क्या है? ये भी वही है माराकुया। और ये क्या है? ये अलग अलग टाइप की सब्जियां हैं यहाँ पे। वो क्या कहते हैं? नाशपाती। नाशपाती, हाँ। नाशपाती? ओ नहीं भाई, ये नाशपाती नहीं है, एवोकाडो। एवोकाडो ये बनाना है हमारे, बनाना। यहाँ सबसे ज्यादा केला पैदा होता है इस कंट्री में, पनामा में, और भी वहाँ बड़े। पपीता भी बहुत मीठा होता है यहाँ का, आम में मज़ेदारी नहीं है, आम में वो जायका नहीं है जो पाकिस्तान में होता है। आम बहुत ज़्यादा पैदा होता है यहाँ पे, टेस्ट वो नहीं है जो पाकिस्तान में है। ये देख लो आप, नींबू कितने बड़े बड़े, कीनू थोड़े साइज़ में छोटे, और तरबूज भी मीठा है यहाँ का। केले देख लो, ये अजीब स्टाइल के, आप कच्चे कच्चे। ये फ्राई करते हैं सर। अच्छा, ये कैसे खाते हैं? कच्चे केले, ये कच्चे केले। अच्छा, बांग्लादेश में भी ऐसा ही है, कच्चे केलों की सब्जी बनती है। उसमें और उसमें फर्क है। अच्छा, ये उसमें और इसमें केले, जायका भी अलग है और उसको पकाने का तरीका भी अलग होता है। जायका भी अलग, पकाने का तरीका भी है। कच्चे केले, कच्चे केले ये सब्जी के तौर पर पका के खाते हैं लोग। अच्छा, वो भी सब्जी बड़ी खुशनुमा सी रखी हुई है। ये देखो बंद गोभी पैकेट में, हरा प्याज लग रहा है मुझे ये, वेरी गुड। ये अंकल शॉपिंग कर रहे हैं। ये ब्रोकली, ये क्या है भाई? मोहम्मद बिन यूसुफ
ये हमारे मेज़बान है जी पनामा में, बड़े नेक आदमी हैं माशाल्लाह। कल से लतीफ़े पे हंसे ही जा रहे हैं ये। क्या ये हरी प्याज है? हरा प्याज नहीं है भाई, ये कुछ और ही है। ये क्या है लाल लाल, अलग ही डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं भाई। उर्दू में तो इनको भी नहीं पता क्या है। उर्दू में कैसे कहते हैं? उर्दू में नहीं नाम आता, वैसे उर्दू में है ही नहीं है। तो आप कोई फल है सब्जी है ये बता दें। ये बैंगन है, ये क्या है, ये क्या है, ये सुचीनी जी। नहीं खीरा नहीं है ये सुचीनी है। सुचीनी कैसे खाते हैं? वो भी सालन में खाते हैं। और ये क्या है? ये लेटुस है। लेटुस, ये लेटस, लेटस अदरक, लेटस सलाद पत्ता सैलेड के लिए। जी 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 सैलेड। और ये क्या है भाई? ये बताएं आपियो किससे? आपियो, आपियो, आपियो है भाई। आपियो ये क्या बिरयानी में डलता है या नहारी में डलता है? नहीं वो उसके वो भी यानी जब सालन बनाते हैं सालन में उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, सालन में इस्तेमाल करते हैं। सही है। एपियोटो, ये गोभी है, ये चुकंदर है, बड़े बड़े चुकंदर। ये क्या चीज़ है? ये मिर्चें हैं मेरा ख्याल है। और ये क्या मटर है? ये अलग स्टाइल का मटर है यार। फली मटर नहीं है। अच्छा, ये पैकेट के टमाटर, वो हरी मिर्चें, सब चीज़ें पैकेट में हैं। भुट्टा, अंडे देखो आप, अंडा गिरी क्रेट में, अंडे ही अंडे। अच्छा, इन लोग के फार्मी अंडों के कलर जो है ना इस तरह के होते हैं। ये मलेशिया में भी ऐसे ही है, इनके फार्मी अंडों के कलर ऐसे होते हैं। ये किस चीज़ का अंडा है भाई? ये कोई ख़तरनाक चीज़ का अंडा लग रहा है। उनको बुलाएं ज़रा, ये मुझे लग रहा है कछुए वछुए टाइप के अंडे हैं ये। मुफ्ती साहब, दुआ की दरख्वास्त है रेहान अली, दिल से दुआ है भाई। शीरीन, वो ईरान का फ्लैग है। ये कौन है भाई? मुफ्ती साहब, वहाँ वक्त कितना हो रहा है भाई? यहाँ तो 8:10 हैं, शाम के 8:10 हो रहे हैं। ये किस चीज़ का अंडा है? तीतर के अंडे। वो मैंने कहा शायद मगरमच्छ के, वो कछुए वछुए के तो नहीं है। अच्छा, अरवी हुई हुई, ये क्या चीज़ है? हुई ये क्या है भाई? ये है नहीं मशरूम है। क्या ये बता जैसा होता है? लड्डू जैसा, कद्दू जैसा, कद्दू टाइप का कोई कोई सब्जी है। ये अरवी है, ये सब ये जमीन के नीचे होता है। देखें अरवी तो ये है ना, ये भी बहुत बड़ी बड़ी अरवियां हैं। ये अरवी लग रही है, ये क्या है? उर्दू में नहीं पता तो इंग्लिश में बता दें। ये कोई सब्जी है, बहरहाल ये जड़ है किसी पौधे की। ये सब अरवियां, ये सफाई हो रही है। ये क्या है? ये क्या चीज है? पम्पकिन तो कद्दू होता है, पम्पकिन जी, वो पम्पकिन ही है, वो कद्दू ही है। यहाँ में ये क्या चीज़ है भाई? पता नहीं भाई, अलग टाइप की सब्जियाँ यहाँ पे कुछ। ये वाला याम, ये वाला याम है, ये कद्दू। अच्छा, कद्दू मुझे बड़ा पसंद आया, यहाँ का बड़ा डिफरेंट स्टाइल का कद्दू। ओहो, सुराही जैसा लग रहा है, कलर भी आप देखें इसका, नॉर्मल कद्दू वो सामने रखा हुआ। आ जाओ आ जाओ। बैंगन, उधर फल की तरफ चलते हैं, फलों की तरफ। ये सारी सब्जी याद थी? नो नो पार्टी। सेब बड़े चमकदार, मुख्तलिफ किस्मों के सेब। सेब पाकिस्तान का ज़्यादा अच्छा है भाई। अंगूर, अंगूर, नाशपातियों की मुख्तलिफ किस्में।
ये वाला अंगूर बहुत मीठा है। अच्छा जरा एक ना खानदानी किस्म का एक्सपोर्ट होता है, उसके अलावा ये यहाँ पे बनता है, ये यहीं की पैदावार है, ये सब इंपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं। पपीता बड़ा मीठा है यहाँ का। दो चीज़ें, दो फल यहाँ के मज़ेदार लगे हैं मुझे, एक पपीता और एक पाइन एप्पल। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझको आपके पास जो हीरा मुर्गा है उसके वाइट बच्चे चाहिए। आ जाओ अंडा मोड़ पे पैसे लेके। ये आम है, ये आम देखो कितने बड़े बड़े आम हैं। आम बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे और बहुत ज़्यादा पैदा होता है, लोग आम को लिफ्ट नहीं कराते, हर थोड़ी देर के बाद आम का दरख्त है उसमें आम लटके हुए हैं, गिर रहे हैं नीचे। ये पानी वाला है, ये पानी के लिए। अमरूद थोड़ा सा कच्चा हो, अमरूद अमरूद इनको इंग्लिश स्पेनिश में समझाओ भाई, अमरूद किसे कहते हैं? यहाँ इंग्लिश भी नहीं आती लोगों को, ना उर्दू तो आती नहीं है वैसे भी। ये क्या है भाई? ये सारा गोश्त है लेकिन ये हलाल वलाल नहीं है। आगे देखते हैं, ये अनस भाई हैं, ज़बरदस्त आदमी है। ये डरे हुए हैं, ज़बरदस्त आदमी है माशाल्लाह, बहुत नेक आदमी है। ये डरे हुए हैं, ये क्या है? गुड़। अरे ये कैसा गुड़ है? ओ ज़बरदस्त, अच्छा गुड़ है, गुड़। फिश किधर है? फिश यहाँ की आपको हम सब्जियाँ दिखा रहे हैं पानामा में, अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं यहाँ। ये भी गोश्त है लेकिन ये इसमें हलाल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं है, फिश नहीं है। चलो डिफरेंट स्टाइल के केक हैं, और यहाँ पर क्या डिफरेंट है? यहाँ का ब्रेड, ये ब्रेड खाते बहुत खाते हैं यहाँ लोग, ना ये बहुत खाते हैं, ये मैंने देखा है वाकई, ये बहुत खाते हैं यहाँ लोग। ये लोग रोटी नहीं खाते हमारी तरह, पराठा रोटी क्या है ही नहीं, ये पूरा ब्रेड की सिस्टम है। पराठा रोटी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की सौगात है, दुनिया में निकलो ख़त्म। जो हमारी रोटियाँ हैं ना मोटी मोटी भारी भारी भर वजनी रोटियाँ, ये कहीं दुनिया में रिवाज है ही नहीं। ये क्या है? ये पनीर वनीर मकई से मकई के लोट से जो खाते अच्छा फ्रेंच दुबई, ये क्या लिखा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए, उसको मदरसे में दिल नहीं लगता, दिल से दुआ है अल्लाह ताला उस पर दिल लगा दे, नेक साले आलिम बनाए उसको। मुनाफे लेना बिल्कुल हलाल है कि नहीं? अल्लाह का डर रखकर जवाब दीजिए, जायज़ है मुनाफा लेना मिज़ान बैंक से? कोई एहतियात पर अमल करे तो अच्छी बात है लेकिन फतवे की रूह से जायज़ है। क्या कह रहे हैं? अगर नाश्ते में हम आपको ये ऐसी चीज़ें रखें तो आप, मैंने तो खा के देखी नहीं ना कभी नाश्ते में क्या है ये, खा के पता चलेगा कि कैसी चीज़ें। ये मकई की बनी हुई है? जी जी हाँ, बस हलाल होनी चाहिए। जी नहीं, हलाल ही है, हलाल होनी चाहिए। ये क्या क्या है यार, अजीब अजीब चीज़ें हैं यहाँ खाने की, ये समझ से बाला तर हैं, सब मकई की बनी हुई है। यहाँ मकई बहुत ज़्यादा पैदा होती है जी। मुफ्ती साहब कनाडा कब आ रहे हैं? बेसब्री से इंतज़ार है आपका।
दुआ की दरख्वास्त अमान साहब, क्रेडिट कार्ड इज़ गुड एज लॉन्ग एज यू डोंट पे इंटरेस्ट ऑन इट. नो, क्रेडिट कार्ड इज़ नॉट गुड. और कोई यहाँ कोई अलग सी चीज़ हो, ये पता नहीं क्या, ये हर जगह ही नज़र आती है हमें, ये गोल गोल से पाइप खाते हैं ये लोग, पाइप खाते हैं. हराम गोश्त है. अच्छा ये तो, सॉरी सॉरी, ला हौल वला कुव्वत इल्ला. दूध दही, इनके ऐसे दूध की दुकानें नहीं होती. हाँ भाई एक किलो ज़रा, हाँ उस्ताद ज़रा आधा किलो दे भाई, दही निकाल के दे, मलाई इसरा हटा के, ऐसा नहीं होता. सब चीज़ें पैकिंग की, टोटल पैकिंग, ऐसा ही है ना भाई मोहम्मद यूसुफ, टोटल पैकिंग. अच्छा सब्जियां मज़े की लगी हैं यहाँ देखने में, खाने का तो पता नहीं. अच्छा ये भी मछली, झींगे मच्छी, ये सारी मच्छी देखें, खाल उतरी भी मच्छी है जी. ये झींगा और मच्छी, ये सारा सी फूड आइटम है. सैल्मन है, सैल्मन मच्छी जो बड़ा इसका सुना है नाम कि बड़ी ताकतवर होती है, कुछ ऐसा ही है. अभी कब बनाते हैं इंशाल्लाह. अच्छा जी, सैल्मन मच्छी. ये अमरूद भी अलग स्टाइल का है यहाँ का. नहीं वो नहीं है, वो दूसरी दुकान में मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिला. अच्छा चले भाई, हम तो रास्ते में उतरे थे किसी काम से, लेकिन आपको हम दिखा देते हैं. यहाँ पर हर वक्त कैमरा ऊपर रखना भी मुमकिन नहीं है. मुझे सबसे ज़्यादा खुशनुमा मंज़र लगा है वो ये लगा है. आह हा, ओ हो, अस्सलाम वालेकुम. प्लीज़ फ्लोरिडा और एंडियो मुफ्ती साहब, मैंने आपके बयान सुन के कोई कुछ कुछ सीखना है. अच्छा क्या ये पकौड़ों वाली मिर्च देखी आपने? फराह खान, एक और सवाल मुफ्ती साहब मेरा. मेरी नानी बहुत ज़्यादा बीमार है, इतना बीमार है कि खुद से खाना भी नहीं खा सकती, पाइप से खाना खिलाता है. नमाज उनको वुजू करा दें, नमाज जिस तरह मुमकिन हो आसानी से पढ़ लें वो. ये क्या है इतनी बड़ी हरी मिर्च है आपके? मिर्ची देखो हमारे यहाँ इतनी बड़ी मिर्च है, हम पकौड़ा बना लेते हैं उसका. जी हाँ, नहीं इतनी बड़ी मिर्ची नहीं होती हमारे यहाँ, वो तो एक पकौड़ा चार आदमी खाएंगे फिर. अच्छा एक आपने नोट की है, हमारे यहाँ ऐसी सब्जियाँ फल पड़े हुए हो ना, खुशबू बहुत आती है. हाँ, यहाँ वो खुशबू नहीं है. सही, सही है, ये चीज़ मैंने नोट की है. नहीं सही कह रहे हैं, हम लोग घर में फल लेकर आते हैं ना कराची में, पाकिस्तान में अमरूद भी रखा हुआ होगा ना कमरे में, महक उसकी फैल रही होगी. अमरूद हो गया, आम की पेटी मैंगो है ना, इसमें बिल्कुल खुशबू नहीं आई है. मैंगो का बिल्कुल, मैं सूंघ के देखा है इसमें कोई खुशबू नहीं है, नाक के करीब ठोंसने पे भी खुशबू नहीं आ रही है. हमारे यहाँ आम पड़ा हुआ होगा ना पेटी, पूरा कमरा महक रहा होगा, अमरूद भी फल भी. तो ये फल खुशनुमा बहुत हैं, देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनमें खुशबू नहीं है यार, इन सब्जियों में भी वो वाली खुशबू जो हमारे कराची में और पंजाब में होती है. इंडिया में कराची पंजाब के जो फल है ना उनमें जो खुशबू है वो नहीं है. ये कद्दू की सब्जी है. हाँ कद्दू है, पम्पकिन. चले भाई निकले, चलो भाई निकल लो, शाबाश.